आप कैंपेनिंग कर रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ मैडम, ये बताइए मैडम, आप हैदराबाद में कैंपेनिंग कर रहे हैं, यू आर लाइक सेक्युलर माइंड सेट, आप सेक्युलर हैं मैडम? हाँ मैडम, कल आपका एक वीडियो वायरल हुआ जिसके तौर पे वो मस्जिद पे आप निशाना मारने का तारका कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, उसका सवाल जायज है, उनको जवाब मुझे देना पड़ेगा। बींग अ मुस्लिम आई एम आस्किंग। नहीं नहीं, यू शुड आस्क। पीछे गिव मी माय मोबाइल, शो मी दैट। अभी मैं आप दिखाती हूँ, आप सच्चाई देखो, ये देखो, ये देखो, कहीं मैं मस्जिद को और ही नहीं करी साहब, वो गलत वीडियो भेज रहे लोगों को, अब क्या समझते? ओके, मर्जी में ये चीजें कर रहे हैं तो। नहीं नहीं, एक बात बताइए, अगर आप इलेक्ट होते हैं तो क्या मुसलमानों को फायदा होता है हैदराबाद के से? अरे मुसलमान भारतीय नहीं है, देश के नहीं है, तो क्यों फायदा नहीं होना उनको, बराबर होना उनको फायदा। आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी ये रहती ना मैडम कि हिंदू है तो हिंदू राष्ट्र है, बल्कि ऐसा बोलते है ना, मतलब हमको नहीं फिर। नहीं बुरा मत मानिए, एक लाइक क्वेश्चन है। आई वांट यू टू आस्क दिस क्वेश्चन भैया, आप पूछना ही मैं चाहती हूँ। अच्छा, मुसलमान का बीजेपी से डरना मैडम देश में? नहीं डरना चाहिए, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, कतई नहीं डरना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर हमारे नहीं है, प्रधानमंत्री हमारे नहीं, हर योजना में क्या मुसलमान का नहीं? अरे ऐसा कोई योजना निकाले वो जिसपे वो बताए सिर्फ हिंदू के लिए है, बताइए तो सही आप, कौन सा एक योजना ऐसा निकाले? और ये जो एनआरसी सीए का जो डर देश में डाल रहे हैं कि 24 के इलेक्शन का देकर, इससे क्या मुसलमान को डरना चाहिए मैडम? बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, ये मुसलमानों के लिए, इस देश के मुसलमानों के लिए नहीं है भैया, ये उन रोहिंग्यों के लिए है, उन पाकिस्तानों के लिए है, उन अफगानिस्तानों के लिए जिनको गलत तरीके से इस देश में लेके आ रहे यहाँ के पसमंदों के लिए जीने नहीं दे। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन मैडम, क्या मुसलमान, आपको लगता है कि मुसलमान बीजेपी से डरा हुआ है? भैया सही मायने में बताओ, मैं तो पढ़े लिखा डरा हुआ नहीं है भैया, जो बेचारा पसमंदा है उसके इसके बारे में मालूम तक नहीं है, जो जोश में आज जिस नौजवान है उनको भड़का के एक अलग दिशा पे लेके जा रहे। आप एक बात बताओ, जो मोदी सरकार इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, मैं ट्रिपल तलाक नहीं कह रही, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक निकाल कर हर औरत के आंसू को उनको कदर कर रहे हैं। मैं खुद इतना ही 20 साल से मुसलमानों के साथ, मदरसों के साथ काम कर रही, और ऐसे औरत को उन्होंने चुन के सीट दिए। आपको लगता है मुसलमान आतंकवादी है मैडम? नहीं हो सकते, भारतीय मुसलमान कभी आतंकवादी नहीं हो सकते, लेकिन जिन बच्चों के हाथ में गरीबी होती है, जिनको मजहब का नाम लेके भड़काते हैं, तो उनके दिमाग किस ओर में जाता, हम क्या बता सकते हैं? थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। गरीब का पेट कुछ भी कराता साहब। थैंक यू मैडम, चलिए।